हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रिविजन। आज हम लोग लेके आ गए हैं बॉट रॉकर्स 235 V2। ब्लू कलर में एक ईयरफोन है जो मैंने अप्रॉक्स लास्ट ईयर 2020 में मैंने ख़रीदा था इसको दिसंबर में, लेकिन उसका माइक इशू कर रहा था तो उसके वजह से मैंने इसको वारंटी क्लेम करके दूसरा मंगाया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आया कि जो मुझे वारंटी क्लेम करने के बाद पता नहीं उन लोगों ने रिप्लेस करके दिया था या फिर ठीक करके दिया था, माइक काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर से मैंने इसको रिप्लेस मारा, यानी वारंटी क्लेम किया और रिप्लेस आया है। इस बार रिप्लेस्ड करके मैं भी शायद मैंने अभी खोल के नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों के सामने में अनबॉक्स करूंगा और इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को। देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट प्राइस, तो इसके डिटेल्स के बारे में। क्या रहेगा देखते हैं। रेड कलर में मुझे दिया गया है, मैंने ब्लू कलर में किया था। रिप्लेस करके मुझे दिया गया है, न्यू दिया गया है, लेकिन कलर दूसरा दिया गया है। आप देख सकते हैं बॉट का ये कितना बड़ा फॉल्ट है। देख सकते हैं आप, ये बॉक्स भी शायद में भी चेंज करके दिया गया है, बॉक्स भी रेड कलर में दिया गया है। बॉट कंपनी का देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने एक बार वारंटी क्लेम किया, माइक का इशू ठीक नहीं किया गया था, दोबारा मैंने किया तो अब इस बार कलर चेंज करके दिया गया है। आप देख सकते, सर्विस सेंटर दौड़ाएगी, यहाँ वहाँ दौड़ाएगी, ये स्टिकर्स है जो कि फालतू का भर देती है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था 1199 में फ्लिपकार्ट से, और उसके बाद माइक का इसका इशू आ गया। कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं था, चार्जिंग वार्जिंग सब चीज़ ठीक है, ये ओवरऑल ठीक ठाक है। ये ब्लूटूथ बहुत ही अच्छा है, साउंड अच्छा है, सिमलेस कनेक्शन है, ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्शन है, 8 घंटा का बैटरी बैकअप है, IPX5 का इसमें रेटिंग है, बोल सकते हैं स्वेट प्रूफ बोल सकते हैं, बैटरी बैकअप भी ठीक चलता है, साउंड क्वालिटी ठीक है, सब चीज़ ठीक है ओवरऑल। और ऊपर से इसमें जब आपका कॉल आएगा तो ये वाइब्रेट करता है, तो जब कॉल आता है तो ये वाइब्रेट करता है, जब आपका कॉलर में ये रहता है वाइब्रेट करता है। रेड कलर में है, मैंने ब्लू कलर में मंगाया था। मैं आपको डिटेल्स दिखा दूंगा, मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा मोबाइल से मैसेज कैसे इसको वारंटी क्लेम किया था, ये सारा चीज़ मैं डाल दूंगा। और बाकी कुछ नहीं दिया गया, ईयर टिप्स दिया गया है, ये पहले भी दिया गया था, ये चार्जिंग केबल और ये सब चीज़ चेंज कर दिया गया है। ये देख सकते हो आप, मैंने वारंटी क्लेम किया था, ये यहाँ पर इसका बिल रिसिप्ट है, देख सकते हो। तो ये देख सकते हो, आपको यहाँ पर बटन्स दिए जाते हैं, ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप बीच वाले को प्रेस करके रखते हो हो जाता है, ऑन हो जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, ये वाइब्रेट करता है जब कॉल आता है। इधर देख सकते हो बॉट लिखा हुआ है, मैग्नेट है यहाँ पर, देख सकते हो ये चिपक के रहता है। कॉलर BT का यही होता है फ़ायदा कि आप गले में लटका के रखो। यहाँ पर ब्रांडिंग है बॉट का, क्या बताएं, सर्विस तो नहीं है बॉट का, ब्रांडिंग तो देख ही रखी है। ये चार ईयर टिप्स दिए हैं, देख सकते हो आप, ईयर टिप्स अलग अलग साइज़ के हैं, देख सकते हो। उसके बाद ये चार्जर दिया हुआ है, माइक्रो चार्जर है, फास्ट चार्जर तो देती है ये, लेकिन ये माइक्रो चार्जर आप देख सकते हो, ये है चार्जर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शायद बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पर आने वाला है कि कैसे बॉट के ईयरफोन्स जितने भी होते हैं, बॉट के कोई भी सामान होते हैं, उसका वारंटी क्लेम कैसे करें, कोई भी कंपनी का है तो वारंटी क्लेम कैसे करें, और कौन कंपनी आपको डोर वारंटी क्लेम देती है, यानी कि आपके डोर पे आके वो सामान उठा के ले जाएगी और आपके उसी एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट रिप्लेस रिफंड करा के देगी अगर वो आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं करा पाती है। तो आप ये देख सकते हो, मेरे साथ ये इशू हुआ, ये रेड कलर में दे दिया गया है, मैं देखता हूँ इसको फिक्स करने का ट्राई करता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने वारंटी क्लेम कब किया था, और उससे पहले भी मैंने एक बार वारंटी क्लेम किया था। मैंने इस बॉट रॉकर्स V2 ब्लू कलर के ब्लूटूथ के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि जो माइक का इशू था उसको सॉल्व नहीं किया गया। उसके बाद मैंने फिर से वारंटी क्लेम किया, तो इस बार माइक का इशू तो सॉल्व कर दिया गया, रिप्लेस करके कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया गया है जिसमें कि मेरा ब्लू से रेड हो गया है। तो इससे इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ता, बट ये देख सकते हो आप कैसा सर्विसेज रहता है, ये सब चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। मैंने ब्लू दिया तो रिप्लेस करके मुझे रेड दिया गया है। ये सारे टर्म एंड कंडीशन है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने कब ये किया था। अब देख सकते हो
ये बॉट वारंटी क्लेम है आप, या फिर बॉट डायरेक्ट सर्च करोगे वहाँ जाना है अगर आप वारंटी क्लेम करना चाहते हो। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कब वारंटी क्लेम किया था। यहाँ पर देख सकते हो आप, वॉक इन सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर के पास आप जा सकते हैं, सर्विस सेंटर अलग अलग दिखाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर आप कंप्लेंट कर सकते हो, और अगर आपने वारंटी क्लेम किया है, आपको टिकट मिला हुआ है, तो आप वारंटी का यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हो। आपका टिकट मिलता है तो आपको यहाँ पर डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको देख रहे हो स्टेटस आ गया है मेरा। मैंने ये 6 सितंबर को ये किया था, जो कि मेरा वारंटी क्लेम मैंने 6 सितंबर को किया था। उसके बाद आप देख सकते हो पिकअप अप्रूव हुआ 7 सितंबर को, उसके बाद पिकअप जनरेट हुआ 7 सितंबर को ही, उसके बाद जो बंदा था वो 14 सितंबर को इसको उठा के ले गया सर्विस सेंटर। उसके बाद आप देख सकते हो आज 18 तारीख है, यानी कि 18 सितंबर, और आज मुझे प्रोडक्ट डिलीवर किया गया। तो डेज तो ठीक ठाक हैं, बहुत ही जल्द मतलब रिप्लेस करके दिया गया प्रोडक्ट। लेकिन बाकी आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट बार वारंटी क्लेम किया था, तो माइक इशू सॉल्व नहीं किया गया था, वही प्रोडक्ट वापस रिटर्न कर दिया गया था। उसके बाद मैंने जब सेकेंड बार क्लेम किया तो उसने भी मेरा कलर चेंज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो ऐसे मैंने किया था ये सारा प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा दिन लग गया, अप्रॉक्स मुझे 1 मंथ प्लस लग गया ये सारा करने में। मैंने पहले भी वारंटी क्लेम किया, फिर वारंटी क्लेम किया, बहुत ही ज़्यादा लोचा, और ये अभी अभी वारंटी में ही, पीरियड में ही है। सो थैंक यू गाइज़।